पाकिस्तानी इस वीडियो को क्यों ना देखें, तो भैया आप देख लीजिए यहाँ क्यों ना देखें, क्योंकि हम आज चर्चा करने वाले हैं इसकी, और इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी हैं एक, तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके। सारी दुनिया आपको, आपके जितने भी फॉलोअर हैं सब आपको खान सर बुलाते हैं। अब तो आप बता दीजिए आपका पूरा नाम क्या है खान सर? एक्चुअली क्या है कि एक शिक्षक के लिए खुद के नाम से ज्यादा मायने रखता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए लड़के देश का नाम रोशन करें यहाँ पर, तो वो लक्ष्य मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको अपने से ज्यादा मतलब नहीं। वाह। मैं खान सर के बारे में बता दूं कि इनका यूट्यूब पे जो एजुकेशनल चैनल है उसके 17 मिलियन मतलब 1,70,00,000 फॉलोअर्स हैं। ज्यादा है, है? अब 19 हो गए। 19 हो गए, बाप रे क्या बात है, वाओ। तो लॉकडाउन से पहले सर 30,000 थे, एकदम लॉकडाउन के बाद जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ी है उतनी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की नहीं बढ़ी जितनी आपकी बढ़ गई। ये नेक काम की शुरुआत कैसे हुई थी खान सर? लॉकडाउन से पहले हम लोग ना ऐसे फिजिकली क्लास में ज्यादा पढ़ाते थे। अच्छा जी। क्लास में भी बहुत भीड़ रहती थी, लड़के पढ़ नहीं पाते थे। मजबूरी हो गई लॉकडाउन के बाद यूट्यूब पर पढ़ाना, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हमको भी नहीं समझ में आया कि लोगों ने क्यों इतना ज्यादा सब्सक्राइब करते गए, क्योंकि हम तो वैसे ही पढ़ा रहे थे जैसे पहले पढ़ाते थे वहां पे। तो बस ये रहता है कि लड़कों को पढ़ाई से रिलेटेड उसको डाउट ना रह जाए कोई भी, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना तो सबसे पीछे आते थे, हम लोग क्लास के पीछे बैठते थे। हम लोग मान लिए थे कि ये लोग बहुत अच्छे पढ़ने में, हम लोग का तो कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे, और घर वालों को भी लगता था तो जीव ले ला कैसे भी काम चल जाएगा। बाद में हम लोग को पता चला ना कि टीचर की गड़बड़ी थी, हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाकई एक्चुअली अगर पढ़ाने का तरीका इतना सरल हो, आसान हो, जैसे ना सर मुझे बचपन में ना मुझे हिस्ट्री का पढ़ने का बड़ा मजा आता था, बड़ा होके पता चला कि मेरा हिस्ट्री में तो था इंटरेस्ट पर मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था जी। आज मुझे थोड़ा लिखने का भी शौक है, एकाध कुछ शायद फ्यूचर में चल के आप वो भी कुछ ऐसा देखें, तो मतलब मुझे शौक है लिखने का। अब जाके समझ में आया कि वो क्यों अच्छा लगता था, उसमें कहानी होती थी। तो ये नहीं हमें पढ़ाया, हमें रट्टा मरवाते थे। तो ये जो आपका ये जो तरीका ये बहुत ही बढ़िया है, काश हमारे समय में भी ऐसा होता, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे शिक्षक होते, हालांकि हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे। लेकिन इतने डिटेल में खान सर मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट को आप जानते भी ना हो और अगर आपका अगर लेक्चर देखे और सुने तो उसमें इतनी रुचि पैदा हो जाती है, बिकॉज हम सब टीचर्स के द्वारा ही पढ़ाए गए हैं और हमारे अच्छे टीचर्स भी रहे हैं। लेकिन जरूर आप में एक बहुत ही खास बात है कि आप हर सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और थैंक यू। इसमें क्या है ना, टैलेंट जो है ये टीचर्स को विजुअल ट्रेनिंग कैसे देनी है, जो बताया अभी कपिल जी ने कहानी। मैं एक छोटा एक प्रश्न पूछता हूँ, असैसिनेशन की स्पेलिंग किसको मालूम है? लोग बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मुझे मालूम है। असैसिनेशन की स्पेलिंग होती है भाई एस, एस माने गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, एक और एस, उसके ऊपर आई मतलब मैं पूरा, तो मेरे ऊपर पूरा देश नेशन, एस एस आई नेशन, तो ASS ASSI। मैं ये जितना विजुअल कर दें पढ़ाने को, जितना आसान कर दें, याद नहीं होता था रेडियो किसने बनाया, बोला रेडियो चल नहीं रहा, इसको मार थप्पड़ मार कोनी मार कोनी मार कोनी, मार कोनी ने बनाया, याद हो गया, मार कोनी ने बनाया। जितना विजुअल कर दो, जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे एक हफ्ते का मेहनत होता है। मैं ये भी पूछने वाली थी कि कितनी मेहनत लगती है आपको? वो डिपेंड करता है कि हम कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अच्छा। कभी कभी तो कोई चीजें दो दो महीने से अटकी हुई है, जब तक हम नहीं सेटिस्फाई होते, नहीं इसको ऐसे नहीं, अब लड़के समझो तब तक नहीं बताते उसे। कहते हैं ना दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पांव के छाले नहीं देखे। क्या है ना कि हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में इतना पीछे था ना, कभी कभी अपने आप को से डर लगने लगता था, या हम कहाँ आ गए, हमारा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो लेकिन ना कुछ सीखने का बड़ा शौक था। हाँ। तो जैसे एक फिल्म बनाने से पहले डायरेक्टर कितने महीने की प्रैक्टिस करता है, 2 साल की मेहनत के बाद एक 3 घंटे की फिल्म बनाना पड़ता है। उस तरह से थोड़ा काफी मेहनत करना पड़ता है पीछे से, तब जाके समझ में आता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने से थोड़ा समझ में आ जाता है कि क्या कहाँ पे कौन सा चीज डाउट आएगा वहां पे। और आपसे पढ़ाई करने का ये भी फायदा है, ये पीट नहीं सकते ना यूट्यूब चैनल से, अंदर से निकल के थप्पड़ भी नहीं मार सकते, हमें तो पीटा इतना है ना, हम तो मतलब टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते थे। हाँ। अभी बचपन में पूछ भी लिया ना कि सर सूरज कितना दूर है, तुझे जाना है उधर। मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ दोस्ती करो, उसके साथ
आजकल माहौल बहुत बदल गया, अब तो बच्चों की पिटाई भी नहीं होती, हमारे यहाँ बड़ी पिटाई होती है। हम भी कहते हैं हमसे भी लड़के नहीं पूछते हैं क्योंकि उन्हें पूछने की नौबत ही नहीं आती है। अच्छा। क्लियर हो जाता है ऐसे ही। वाह क्या बात। मैंने देखा है सर आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है, तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान सर। तो जब कभी आप कोई नया वीडियो डालते हैं तो आप उनको पर्सनली मैसेज करते हैं कि किसी चीज पे डाउट हो तो कॉल मी एनी टाइम, ऐसा कर सकते हैं आप। अच्छा विवेक सर के बारे में हमने सुना है कि किसी को बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो 5 सेकंड के अंदर जवाब दे देते हैं। जब भाभी जी आपको तैयार होने के बाद पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, 5 सेकंड में जवाब दे पाते हैं आप? देखिए इसमें तो सभी लोग पीड़ित है और हर जगह हर घर में ये जरूर सुना होगा सबने कि बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही है वरना तुमको तो कब का छोड़ के चली गई होती। ये बड़ी कॉमन बात है। परमेश्वर बोलते हैं आपको ऐसा, आप तो कभी नहीं बोलती होंगी। इनका उल्टा है, इनका एटीट्यूड पति वाला है वैसे तो इसलिए क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम को, मतलब मर्दों से कम बिल्कुल मत समझ। नहीं ठीक है पर ऐसे मुक्के वगैरह नहीं मारने चाहिए आप। सर आपने अभी तक शादी नहीं की ना खान सर? नहीं। इतने पॉपुलर हो गए आप, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है तो बड़े सारे प्रपोजल तो आते होंगे आपको? अभी इधर इधर कुछ नहीं है सर। खान सर पर्सनल सवालों का जवाब कम देते। अच्छा। से हम शादीशुदा लोगों को देखने के बाद हमको थोड़ा सा और। अच्छा कई बार ना इंसान ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेना तब भी कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है बड़े सपने देखो, गाड़ी लो, बैंक बैलेंस बनाओ, कोई कहता है कि इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, ये दुखों का कारण है। हम किसकी सुने गुरुजी? सुने सबकी, करे खुद की। जो दिल से निकले, दिल से निकले, क्योंकि जो सुनते हैं हम कई बार सुनते हैं और उसको खुद की प्रोसेसिंग करते ही नहीं है, और जब दूसरों की बातें सुनकर बिना प्रोसेस करके फॉलो करने लगते हैं उसी को तो मंद श्रद्धा कहते हैं। बिल्कुल, उसको प्रोसेस करें, अपने दिल से जो रेजोनेट होता है उसको सोचे और फिर करें। मम्मी सुना, मेरी मम्मी के आगे डॉक्टर फेल है। मम्मी की जो सहेली ऑन द स्पॉट इसके साथ बैठी है और इनको अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोई शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जो बोल दिया वो अंतिम सत्य है। ले मैनू फलानी कहती है ऐ खा लो तो ऐ हो जाता है। ये सवाल मैंने आपके लिए पूछा था। आई वांटेड टू आस्क खान सर कि आपका एक एपिसोड था ट्रेन के बारे में कि ट्रेन में ऐसा क्यों होता है, शुरुआत में ऐसा हुआ था, ये यहाँ पर बोगी के लिए ये कनेक्शन, तो ये सोर्स क्या होते हैं आपके, कहाँ से? आपसे सुन लेंगे उसके बाद खुद का चैनल शुरू करेंगे। कुछ चीजें तो ऐसे डायरेक्टली मिल सकती हैं। हाँ। और नहीं तो वहाँ ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पे पूछ लेते, जो वर्कर होते हैं ना उन हाँ। लोग को ज्यादा आइडिया रहता है उन लोग से, वो पूछ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो ज्यादा ऑन कोशिश करते हैं कि हम किसी चीज को खुद से अगर जाने रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, तो कई बार वहाँ यार्ड वगैरह में भी चले जाते हैं पता करने के लिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, हवाई जहाज पर भी बनाइए आप कहती हैं तो उस पर ही बनाई देंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर कई बार ना माँ बाप भी, जो मैं ये कहूंगा कि उनकी गलती होती है कि अगर बच्चा आपका 4-5 साल का है आप शुरू से उसके मन में डालना शुरू कर देते हो कि ये तो इंजीनियर बनेगा, हो सकता है बाप इंजीनियर हो, वो चाहता है कि जरूरी तो नहीं है। अब मेरे पिताजी पुलिस में थे जी, मेरे मामा सब आर्मी में थे, मैं अकेला इस फील्ड में निकला है, मुझे ये चीज अट्रैक्ट करती थी, ये कहाँ तक सही है सर? जी मेरे हिसाब से तो बच्चों पे कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, अगर एक खरगोश हो, एक बंदर हो, एक हिरन हो, एक शेर हो और एक मछली हो, उन सबको आप एक कतार में खड़ा कर दीजिए और उन सबके लिए एक ही टेस्ट हो कि आप पेड़ पे सब लोग कैसे चढ़ पाए। ओके, अब सबको एक टेस्ट कैसे दिया जाए? मछली तो आत्महत्या कर लेगी सोच के कि मैं तो कोई पास ही नहीं होंगी, ये मछली कैसे पेड़ पे चढ़ेगी? राइट। लेकिन कई बार ऐसे हो गया ना कि एजुकेशन सिस्टम ऐसी बनी है कि बस ग्रेड्स हो गए, सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, right. जो भी किया है और वो भी जरूरी है, लेकिन वो करते करते बच्चों के जो इंटरेस्ट है, बच्चों के जो पैशन है, उसमें उनको एनकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पिताजी एक बार अपने बेटे को ऐसा चाटा मारे जोर से, तो पड़ोसी ने पूछा क्यों मार रहे जी? बोले कल रिजल्ट है इसका। कल रिजल्ट? तो बोले रिजल्ट कल है ना साहब, तो आज क्यों मारने, कल बारगाह जा रहा हूँ, कल का काम आज निपट के कर। कहने का मतलब ये है
कि आप देखिएगा कि अगर आप बच्चों को अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से नहीं देंगे तो ये चाटे ही खाते रहते, पर ये फेल ही होते रहेंगे। बहुत ओके। अच्छा, विवेक सर का एक कहना है कि बच्चों का अगर 95% से ज्यादा मार्क्स आते हैं वो भी खतरनाक होते हैं, 75 से 85% वाले जो बच्चे होते हैं लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा। कभी किसी पेरेंट्स ने आगे कहा है कि आपकी वजह से मेरा 95% वाला बच्चा 75 पे आ गया? मैं बेसिकली 95% देखिए, एक स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, जो भी बताया, वो क्लासरूम बेस्ड कंसेप्चुअल थियोरेटिकल अप्रोच है, और उसमें बच्चे को क्या चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस सब्जेक्ट में 10 में से 3 आ रहे हैं उस पर फोकस करने की जगह वहां फोकस करो जिसमें 10 में से 7 आ रहे हैं, ताकि उसका सुपर स्पेशलिस्ट बने, पर वहां सब कुछ पोर किया जा रहा है। तो 95% के चक्कर में, 98% के चक्कर में अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर नहीं पाता है, और ये पुराने पैटर्न्स के कारण हमारे यहाँ बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं, और पैटर्न्स इतने मजबूत हैं। तो मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि बच्चे को जो उसको आता है, जो उसको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बच्चा इतना सफल हो जाता है कि उसके मुकाबले कोई और खड़ा नहीं हो पाता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। मैं देखो, ये पुराने बिलीफ तोड़ने जरूरी है, आप जानते हैं। आज समझते हैं हम लोग 1962 के जो इंडो चाइना वार, जिसे इंडो साइनो वार कहा जाता है, उसमें भारत ने क्या क्या गलतियां की थी। देखिए, जिस तरह से इंडिया को इंडियंस, इंडिया के रहने वाले को इंडियंस कहते हैं, आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश कहते हैं, पाकिस्तान वाले को आतंकवादी कहते हैं। एक से दूसरा जुड़ा रहता है। आप यहाँ देखिए, एक लंबी गैलरी दिखेगी, आप गैलरी देखिए, आप इधर इसको टाइम ध्यान से देख रहे हैं, इधर मत देखिए, ये लंबी गैलरी देखिए। लिक्विड की आपकी खासियत बताएं, इसमें खिंचाव बल काम करेगा, जो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहेगा, चिपका देगा, जिस वजह से महिलाओं को पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा। तब क्या करती है सर, आगे जैसे भाभी जी को देखिए, पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, एगो गमछा लेके फटाफट फटाफट ऐसे मारेंगे सर, पूरा पानी क्या करेंगे, 80% पानी निकाल देगी सर। अब कहेंगे सर हाँ, अब है फिजिक्स का नियम, इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है, और बाल पे पानी लगा है इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है, और बाल फंसने लगता है इन लोग का, अब इसीलिए कहते हैं। फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा, तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, इसे तौलिया का लेके, देखिए पीटने के लिए गमछा पतर का, और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ। आधा घंटा इसे तौलिया ओलिया मारने के बाद, उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा, समझा गया कि नहीं। तो ये देहात की महिला कर रही है जो CBSE बोर्ड की महिलाएं रहती है ना, वो एक ड्रायर रख ले रहती है, देखिए देखो भोपू टाइप का है ना ड्रायर, बलवा खोल के इसे धुआं मार के होके सुखा देती है, CBSE बोर्ड वाली होती है सर। अब तुम लोग ससुराल लड़की है को देख रहे हैं ऐसा ना, अरे बकलोल कहीं का कितना समझाए तू लोग को, लड़की सबको देखिएगा, उन सबका हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है, और लड़कों का जीवन क्या, एक के हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है, उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग, और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एगो बाल ऐसे यहाँ से नीचवा ऐसे गिरा देगी सब। इट्स ट्रू। और उसको 24 घंटा इसे सीधा करते रहेंगे सर, यहाँ पे इस सब पे मत चाहिएगा, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा। हम आपको कल भी बताए थे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा, आप सब इधर ध्यान देता है सर, बकलोल का एग्जाम्पल दूसरा देते, अच्छे से पढ़ाई उड़ाई करके नौकरी उकरी लीजिए लोग, और नहीं नौकरी वगैरह नहीं हुआ ना तो घर वाला क्या करेगा सर, कैसे ही बूढ़ सूढ़ को थमा के भेज देगा, ले जाओ जो बनती है आलिया उसी को मिल जाता है काली। फिर ये ज्यादा मेकअप तेकअप पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इन्हें की ठोड़ ओढ़ रंग के घूमने लगे हैं कोरोना के बीच में, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई वगैरह करिएगा तब ना आपको अच्छा घर द्वार मिलेगा, नहीं तो ऐसे थमा देगा किसी को घर वाला, कोई सरकारी नौकरी लेके आएगा कैसनो रहेगा, एकदम करिया भूचेंगे लेके चल जाएगा। और ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा, मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी, इकोनॉमिक्स। हम CBSE बोर्ड से पढ़ते थे, अकेले उसमें काला थे, सब हमको कालिया कालिया बोलता था सर,
सीबीएसई वाला सब गोरा गोरा होता है, सब चाय बिस्कुट खा के बड़ा हुआ है सब। हम लोग तो रोटी चावल खाने वाले लोग, काला हो गए लोग। सुबह सुबह चाय गोरा था सर, हमको काला काला बोलता था। हम कहीं भाड़ में जाओ सीबीएसई बोर्ड, हम सीबीएसई छोड़ दिए, हिंदी मीडियम में चले। हमको सबसे ज्यादा बेइज्जती किया है सीबीएसई बोर्ड वाला। हम काला है तो क्या हुआ, दिल वाला है। सब बोलता था कालिया कहीं का सीबीएसई में आ गया। चलो सागर कुमार कह रहे हैं कि सर मेरे मैप में फिलिस्तीन नहीं है, कहीं इजराइल उड़ा तो नहीं दिया? नहीं बाबू अभी है। नील नदी है बाबू, इधर मिस्र में दिखेगा आपको। अरे पकड़ लो, कौन कर रहा है? राहुल सिंह बिटबो करेंगे, काश आपकी शादी सीबीएसई बोर्ड की लड़की से हो जाए, पगला जाएंगे हम, ना करेंगे हम। सीबीएसई वालों से मेरा थोड़ा भी नहीं जमता है। कर रहा है सीबीएसई वाला, माता लड़ा लेंगे हम। सुबह उठते मोमोज खाएगी, मोमोज बर्गर। ये अरे भाई, ये सब हम लोग से होगा ही नहीं यहाँ पे। ओ माई गॉड, दुकुन जुकुन क्रैचअप ये सब दुका दुका खाता है, घास भूस कुछ खा जाता है सब। दुकान सुबह उठते टोस्ट गरम करेगी, अरे हम लोग कौन चीज, रात में चावल बच गया भूज के खा जाओ, रोटी बच गया तवा पे तल के चाय से खा जाओ। तो हिंदी मीडियम वाला लो भाई, हमारा कहता है सीबीएसई वाला से ब्याह हो जाए, पिटबो करेंगे। प्यार व्यार धोखा है, पढ़ लो बेटा मौका है, दूर ससुर से। मेरी वाली सीबीएसई बोर्ड की, लेकिन मैं उसको हिंदी वाली सीबीएसई बोर्ड वाली ससुर से दिन रात गिफ्टे मांगती है। हम गए थे उसमें, क्या नाम है, अभी तबीयत ठीक नहीं था तो दिल्ली गए हुए थे, थोड़ा एम्स में। तो एक लड़का था, वो फोन पे बतिया रहा था, तो सुनाई नहीं देता है। हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो ओकरी वाली कह रही है कि हमरा डंकी डोनट चाहिए, डंकी डोनट। हम कहीं से सुन रहे, गधा के मीट मांग रही है क्या ऐसे? डंकी डोनट, हम कहेंगे कौन से खरीद रहा है? देखे उस तो चुना है, कोई इतने जलेबी टाइप का था, कुछ खरीद के लेके चल गया अपनी वाली के लिए। तभी हम समझे कि पक्का ही सीबीएसई वाली है। ये तो कौन सी खा रही थी, एंगन गोल टाइप का था, अगर ये डंकी डोनट, हमरा लगा गधा का मीट खाएगी। तब समझ में आना डंकी डोनट कुछ दूसरा चीज होता है। अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा ना, खूब पहुंच वाला रहेगा, बूढ़ो रहेगा तो शादी कर लेती है सर, क्योंकि सब होशियार होती है सर, जानती है सर कि एक तो इसका इनकम है, दूसरा इसके पास दिन कम है, कम में दिन में मर जाएगा, फिर दूसरा खोज लेंगे, पहलका वाले से कह देंगे आ जाओ। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी कोई दिक्कत? आगे देखिए, एशिया कंप्लीट होने दो फिर समझाएंगे। रजत सिंह है, एशिया किन किन देशों से अलग होता है और एशिया यूरोप में कौन सागर अलग करता है? वो एशिया कंप्लीट हो गया कि लगे कूदने। आगे समझते हैं, ये बोलता है मेरी वाली अनपढ़ रे बकलोल कहीं। कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, वाह वाह बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। अरे पहले की लड़की बोलते थी सब कोई पत्थर से ना, आज की लड़की क्या बोलती है, आया बाहर है जिया बेकरार है, आजा मोरे बलमा न तो दूसरा तैयार है। अच्छा। ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेफड़ा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़किया को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं। फिजिक्स का टॉपिक समझिए, इसको देखिए, इसे जो लग रहा है मोबिल पोटले होगा। ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा ऐसा क्रांतिकारी काम करता है सर। बाकी हिंदी मीडियम वाला ये सब नहीं करता है ना सर, है ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। सीरियल तो और ससुराल चौपट रहता है, देखो सीरियल में समझे में नहीं आता। अच्छा एक चीज कभी गौर कियो, सीरियल में ना हीरोइन जो होती है सब, यानी जो उसमें वो लीडिंग कैरेक्टर में होते हैं सब, आदमी सीरियल में झुंझुना रहता है।
आप सीरियल को ध्यान से देखिएगा, आदमी का रोल क्या होता है। जैसे सीरियल चालू होगा, आदमी को शीशा के सामने टाई लगाते दिखाया जाएगा, उसकी पत्नी बैग लेके खड़ा रहेगी। अगला सीन में वो ऑफिस में लैपटॉप खोला है, खत्म काम उसका, सीरियल खत्म, बाकी सब महिला। अच्छा तू खाना बनाई है, नमक झोंक देगी, जा। आदमी का काम खत्म, बस लैपटॉप खोलो, टाई लगाओ, खत्म कहानी। बाद में आएगा घर तो देखेगा वो मम्मी अलगे मुंह फुलाई है, पत्नी अलगे रो रही है, परेशान रहता है। तो सीरियल में तुम तो मेल का कैरेक्टर देखना, बेचारा इसको लिया का है, चुपचाप बेचारा एकदम नहीं, जाता के बीच में अनाज पिसा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब बेचारा पिसा जाता है यहाँ से, किसी को दिक्कत? आप लोग भी पिसाइएगा, इसलिए डे वन से आप लोग हमारी बात को याद रखिएगा। डे वन से, पहले दिन से तुम लोग एकदम समझ में आता है। तुम्हारा उम्र कितना है रे अभी? तो तुम बोल दिया, पूरा क्लास का माहौल खराब करके रख दिया। टैडी दे, टैडी दे, पीछे घूम, पीछे पीछे उधर। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। आगे तुम हम लोग को तो ये याद रखियो भैया, हम बजरंग बली के बहुत बड़का वाला, हमरा से हमने ये सब प्यार मोहब्बत वाला बात, हमारा दिमाग जल जाता है। ये भारत की संस्कृति है बाबू, ये अंग्रेजों के यहाँ वैलेंटाइन डे होता है, जहाँ हर साल उनके प्यार मोहब्बत बदल जाया करते हैं, अगले साल दूसरे को वो लोग करते हैं। भारत की संस्कृति है, यहाँ एक बार जिनसे प्यार होता है, 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए 7 फेरे लेते हैं वो लोग। हम अंग्रेजों के लिए नहीं है किसी ओके वहां फादर डे मनाओ, क्योंकि याद ना आता हमारा फादर कौन है। तुम मम्मी से पूछो, मम्मी 2013 में तुम किसके साथ शादी की थी? ओहो, जॉन डिसूजा, उसके बाद विक्टर। हम बोले ना, लड़का के लिए क्या होना जरूरी है, क्या मैं लड़की के लिए? अच्छा, लोग बोलते ना प्यार मोहब्बत दिल से होता है, घंटा दिल से होता है। अगर प्यार दिल से होता तो सारा ब्यूटी पार्लर बंद हो चुके रहते। यार यार, शादीशुदा लड़की नैहर से ससुराल जाती है तो मेकअप करके जाती है, उसको ही पता है वैल्यू। आगे और चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हर जगह चल जाएंगे, क्योंकि बेडरूम में घुस जाइए। अरे आ जाके कह दीजिए खान सर बोले तो चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, तो कचर के मारे काम। अगला स्टेशन कैंट एरिया है, वसंत विहार। जिनके पास इस स्टेशन पर उतरने का कार्ड ना हो, ना उतरे, और आपके पास कार्ड नहीं है, उतर गए, अरे चल ना घूम के आते हैं दूसरे का मेट्रो से, तो वहाँ बैठा रहेगा आर्मी वाला, धो देगा सब। अगले मेट्रो में आप जाएंगे नहीं, पहुँचाए जाएंगे। घर में भी देखिएगा ना, महिला हड़ताल करेगी तो बोलबे नहीं करेगी तुझे। सुपनेखा भी तो महिला थी, नहीं थी, और हम लोग से ज्यादा चरित्रवान खुद भगवान लक्ष्मण थे, उनको नहीं पता था कि डिसिप्लिन क्या होता है, नकिया काट दिए थे। सुपनेखा का नहीं पता है। देखो, लड़कियों की मेमोरी को लोग मजाक उड़ाते हैं, लड़कियों को आज भी वो बात याद है कि सुपनेखा जो प्रपोज की थी तो नाक काट लिया गया। कोई लड़की नहीं करेगी प्रपोज, उसी समय से डरी हुई है। ये डर उनके डीएनए में घुस गया है।
कौन जी कहती है नहीं सर, कौन लड़की करती है प्रपोज? इस सबको समझो में नहीं आता है, कहां बोलना चाहिए कहां नहीं बोलना चाहिए। नहीं सर, तेरे नाम मूवी देखे, मारता है उसको चोट कहां तक चल जाता है, अंदर तक, ले गायब हो गया। गजनी देखे, हाँ मारता है तो क्या हो जाता है, पूरा उसका ब्रेन ही गड़बड़ा जाता है, समझा गया कि नहीं? गल दे बहुत खतरनाक, दोनों ससुरा पिटाया सब लड़की के चक्कर में। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। एक्चुअली मैजिक भी है, क्या जरूरत है भैया पिटाने की? इतना मेहनत से भगवान ने ब्रेन दिया, आप लोग जीवन भर मेहनत कर करके इसमें डाउनलोड करते रहते हैं, कभी फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, कोनो लड़की के चक्कर में फोड़वा के चलेंगे, क्या हो गया फिर? लाइव वाले सब समझ रहा है, हाँ ये लाइव वाला भी बहुत होशियार है सर, ये उधर हंसता है सर, ये कैसे हंसता है सर पता है? इमोजी बना देता है सर। डिजिटल इंडिया में भी हंसी नहीं बर्दाश्त होती, घुसिया से तो लाल रंग का भौकाल बना दी गई। कब कब बैच वैच लेट हो जाता है ना, घुसिया कैसे बोलता है सर? खत्म हो गया। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए, और सेम बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर के साथ जो भी हैं वो अपने सब्जेक्ट में उससे बेस्ट इंडिया में कोई नहीं, और इतना के बावजूद ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। ओ तो हम लोग को लगता है कि जितना ये तकलीफ इससे कई गुना जाते, और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी ना ले। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था उससे मेरी फीस ले आया, हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। आपका क्या बात। और अर्चना जी मैं इनके बारे में एक बात, खान सर आपके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनका जो स्टार्टअप है ये बूटस्ट्रैप्ड है। अच्छा। मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ, ये सेल्फ फंडेड है, इन्होंने अभी तक किसी और से पैसा नहीं लिया है, ये इन्वेस्टर के पैसे से नहीं, इन्होंने खुद इसको बिल्ड किया है, और बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप है ये कि मैं कहूंगा कि अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना हो तो मैं इंडोर्स करता हूँ ऐसे स्टार्टअप्स को। यही सब चीजों को देखते हुए कई लोगों ने धमकी भी दिया था वहां पर, और उसके बाद बम चला दिए, और 7-8 बम चला दिए, और कुछ ब्लास्ट हुआ, एक बेचारा नया नया लड़का आया था एडमिशन लेने के लिए, उसकी स्कूटी उड़ा दिया। वो आया था कहा कि सर हम तो पढ़ने आए थे, हमारा स्कूटी उड़ गया, तुम्हारी ऑफिस उड़ा दिया सब, एक तो पास में आके गिरा। हाँ। और नहीं फटा वो। बाद में बहुत सारे लोग धमकी आ दिए, लेकिन कहते हैं ना सूरज कितना भी तेज चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैम एक्चुअली ये फीस कम करने का एक और रीजन है, 2.5 लाख 3 लाख की जो फीस में सब लोग पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनका मेंटल लेवल तो बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन एक पूरे देश का मेंटल लेवल थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो पाता। तो जब फीस कम रहेगी तो हर वो लड़का तैयारी करने के लिए आगे आएगा जिसका सपना है देश के लिए कुछ करने का। सीटें लिमिटेड है उन्हें को मिलेगी, लेकिन जिन्हें नहीं मिलेगी उसे मिलेगा देश का एक जिम्मेदार नागरिक, तो इस देश को बताओ। हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे, क्यों? क्योंकि दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए थे, चाइना से हैन सांग आया, फायान आया। हाँ। आज कोई नहीं आता है। हाँ। हम लोग का उद्देश्य एक समय आएगा जो फिर आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए। क्या बात है। पर आप देखो अर्चना जी सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस बिहार से निकलते हैं। yes, पढ़ाई लिखाई में पॉलिटिशियन बहुत बड़े बड़े निकले, ऐसा नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है वहाँ पे, इंडस्ट्री नहीं है, खेती करेगा तो कोई खास वो नहीं रहे, ऑप्शन भी नहीं है। सही बात है, बिहार की मिट्टी में एक चीज है, जिद तो बहुत जबरदस्त है, कुछ भी नहीं रहेगा तो सब कुछ पाने का उसको जिद रहेगा, करके भी दिखा देगा, कर देंगे हम।
विवेक सर आपके बारे में हमने सुना, एक बार आप संन्यास लेने चले गए थे। कौन वापिस लेके आया आपको? फिर कहाँ तक पहुँच गए थे आप? नहीं, मैं MBA की पढ़ाई के बाद मैं ये सोचा था कि अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दूं। अच्छा। बहुत साल मैं वृंदावन में रहा था और गुरुकुल में रहा था। अच्छा। और वहाँ सेवा करना, बहुत अच्छी शिक्षा मिली। मैं बोलता हूँ मेरी असली MBA वही थी, मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन। और मैं वहाँ भगवद गीता पढ़ी, जहाँ मुझे गीता से लगाव हुआ। तो मेरे गुरु जी का आदेश था कि आप भगवद गीता को बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जोड़ के देश दुनिया में बताओ। मेरे को लगा बड़ा मुश्किल काम है। मैंने बाद में देखा कि डॉक्टर स्टीफन कोवी, जिनकी किताब है 7 Habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आप सबने पढ़ी होगी, उन्होंने बोला मैंने 7 हैबिट भगवद गीता से लिए। और हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो मेरी किताब पढ़ते हैं, जो कि 3.5 million कॉपीज बिक चुकी हैं, और भारत में भगवद गीता नहीं पढ़ते। तो मुझे लगा कि मैं गीता विद मैनेजमेंट के ऊपर आकर के बातचीत करूं। मुझे लगा बहुत कठिन होगा, पर मेरे गुरुजी का आदेश था कि कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखोगे। तो एक छोटा उन्होंने मुझे बताया, पूछा कि इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह, देखो आप भी एक बार जरा देख के बताओ, 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको। एक, ये दो, वो लाल रंग टी शर्ट पे, 3, 4, 5, ये लाल हो गया, 6, उधर लाल हो गया, 7, एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो? नहीं। नो। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप किसी सोल्यूशन पे फोकस करो और गीता के मैसेज को पहुंचाओ। तो मैं बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स कॉर्पोरेट्स में करने शुरू किए, क्योंकि गीता पहला मोटिवेशनल सेमिनार जो पृथ्वी के इतिहास में कपिल जी हुआ, वो कृष्ण ने दिया था। पहले मोटिवेशनल स्पीकर इस पृथ्वी के इतिहास के कृष्ण थे, जिन्होंने अर्जुन को रणभूमि में मोटिवेट किया था। बड़ी पेशेंस कृष्ण ने अपने लीडरशिप क्वालिटी से दिखाई, वो मुझने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, वो चर्चा ने इंस्पायर किया, वो डिस्कशन ने इंस्पायर किया। तो उस डिस्कशन को मैं आज भी लेके चलता हूं अपने साथ। खान सर, हमने सुना है आप 5-star में रुके थे कल, और नीचे जाके वड़ा पाव खाने गए आप रेहड़ी पे। एक्चुअली क्या है ना कि वहां जो चीजें सीखने को मिलती है ना, खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जा रहा। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में, कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयां खरीदते खरीदते। हाय हाय हाय, क्या बात है। और खान सर की खासियत ये है कि जिसको तो पढ़ना है, जिसको एजुकेशन चाहिए, वो तो इनका वीडियो देखते हैं, लेकिन वैसे भी कई लोग, जैसे अर्चना जी बात करी थी, कहती मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने बैक टू बैक इतने सारे वीडियोस देखे, क्योंकि आपका जो तरीका, जो बोलने में, एक तो इनकी जो टोन है पढ़ाने में, और साथ साथ में जो ह्यूमर आता रहता है, तो उसकी वजह से और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं आपके वीडियो। शुरुआत में हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, या हम कई स्टूडेंट को भी देखते हैं, वो बेचारे जब थक जाते हैं तो आपका शो देखने लगते हैं। अच्छा। तो शुरू शुरू में हमको लगता था जब कि अरे ये हमारे पढ़ाई उसके लिए है, लेकिन पढ़ाई में थक जाता है, शो देख के नहीं थक जाता है। तो हमने सोचा दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो हमने उसको, और आज आपको पता नहीं हमने भी यही किया है। मिक्स करने, हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, एक एजुकेशन की, दूसरा सिस्टम की। आप पटना से है ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। बस कोई पटाने वाला चाहिए। नहीं, मजाक नहीं कर रहा है। आपका जो चैनल है, हम दिन में 10 बार आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अरे हाँ, और बेल आइकन तो हम इतने जोर से दबाते हैं कि बाकी यूट्यूब वाले बाहर निकल के देखते हैं कि ये कौन है जिसने इनका चैनल इतना जोर से दबा दिया बेल आइकन। बुढ़िया, तो शर्म नहीं आती है? आते ही फ्लड शुरू कर दिया ना तूने, तो जाते हुए करते हैं क्या? विवेक जी नमस्ते। आपसे काम था छोटा सा, कर देंगे आप? ये क्यों करेंगे? नहीं गुरु जी, हमेशा आपने वीडियो में कहते हैं कि विवेक से काम लो, विवेक से काम लो। विवेक मतलब दिमाग से काम लो आप। हाँ, तो विवेक जी अपने दिमाग से ही काम लेंगे, बहुत दिमाग है उनके पास। ये देखिए, जो आदमी आपको मैं बताइए, जो आदमी बिना फिल्म किए कपिल शर्मा शो में आ गया, कितना दिमाग होगा उसके पास। लेकिन एक बात है जिसकी वजह से मैं आप तीनों से नाराज हूँ। क्यों, क्या बात? हर चीज में मोटिवेट 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 क्या होता है? सच कह रहा है,
जब भी ये शब्द सुनते हैं हमें लगता है कोई हमें चिढ़ा रहा है। बदल दीजिए ना, खाली मोटिवेट बोलना है क्यों जरूरी है, कुछ और कीजिए। रोटी वेट, छोटी वेट, पतली वेट, कुछ भी बोलिए, मोटिवेट हटाइए। तो गुड़िया तू भी एक्सरसाइज किया कर ना, देख डॉक्टर साहब ने कितना वजन कम किया है, तू भी कर ले। ठीक है, फिर मोटिवेट सही चला लेंगे। लेकिन मोटिवेशन कोई बुरा बात नहीं है, हमारे दादाजी भी वैसे बहुत मोटिवेट करते थे। हाँ, एक बार तो तालाब में डूब रहे थे हमारे दादाजी। हाँ। हमारे पास रस्सी भी था, ट्यूब भी था, फिर भी हम अपने दादाजी को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने उनकी ओर तिनका फेंका ना, वही कहते थे डूबते को तिनका का सहारा काफी। नहीं लगा सहारा दादाजी, बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़। गुड़िया तू क्या करने आई इधर? अरे हाँ, हम क्या करने आए हैं, एक पूछना था सर खान सर, ये जो हमारा एक चाचा का लड़का है उसको क्या है, थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, तो 12वीं का पढ़ाई आप उसको अच्छी तरह करवा के, 12वीं पास करवा देंगे आप? करवा देंगे, वेरी गुड, बात कर लेते हैं। हाँ राम सरोवर, देखो हमारा बात हो गया है, ये 10वीं जो तुमसे नहीं दिया जा रहा है ना, वो नहीं देना है। टेंशन नहीं है, 10वीं का खान सर से बात हुआ, ये सीधा 12वीं पढ़ा के पास कर देंगे। अरे ऐसे नहीं होता, पहले 10वीं पास करनी पड़ेगी फिर 12वीं होगी ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस। हमारे मौसा जी थे, उनसे ना 10वीं हुई ना 12वीं हुई, अभी 3 दिन पहले सीधा उनकी 13वीं हुई। एक्चुअली क्या है, पढ़ाई लिखाई का हमको बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं, गाँव में पढ़े है ना सर, स्कूल कहाँ होते थे अर्चना जी, गांव में स्कूल नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम, यहाँ तक कि हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, हमारे मोहल्ले की जो भैंसिया थी उसको खड़ा करके टीचर उसके ऊपर लिख के पढ़ाती थी। मजाक नहीं कर रहे हैं, और आप तो समझ रहे हैं, अभी ब्लैक बोर्ड की एक अटैच डस्टर था ब्लैक बोर्ड का, समझ रहे हैं ऐसा, वो पीछे से आता था, लिखा हुआ मिटाता था और चला जाता था। ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार क्या हुआ, हमारा स्कूल शुरू हुआ, शुरू होते ही 2 महीने के लिए छुट्टियां हो गई। क्यों? ब्लैक बोर्ड ने बछड़ा दिया था ना। तो वैसे आप लोग ना इतने ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछे। एक बार ना चार दोस्त थे, साम दाम दंड भेद, वो डिसाइड करते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं, तो टीम्स बनाते हैं, तो साम दाम ने एक टीम बनाया, इस पे भेद को बहुत गुस्सा आया, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि भेद को दंड मिला ना। ये सिर्फ हस्ती नहीं है सर, थोड़ा सा पेट्रोल पिला दो स्टार्ट भी हो जाती है। इतना है क्यों, और भी बता दीजिए, जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास नहीं मैकेनिक के पास जाते हैं, और डिटेल दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये बोलते हैं खाली, लेकिन अभी एक रिक्वेस्ट था सर, हमारा एक भाई है पुरुषोत्तम नाम है उसका, वो गांव से आया हुआ है, आप लोग थोड़ा उससे सब बातचीत करेंगे, थोड़ा उसको प्रोत्साहन देंगे। और शर्मा जी हाँ। आपसे भी एक रिक्वेस्ट था, आपसे हमने कभी कुछ मांगा नहीं है, पुरुषोत्तम आएगा ना, एक बार बस उससे कह दीजिएगा पुरुषोत्तम तुम कितने हैंडसम हो। मैंने देखा ही नहीं अभी तक था। तो देख के बस बोल दीजिएगा तुम कितने हैंडसम हो, ऐसा बोल दीजिएगा प्लीज। ठीक है, हम बुला लेते हैं पुरुषोत्तम। बात तेरा भाई बड़ा हैंडसम है। आई तो हमारे खानदान में सब हैंडसम है, ज्यादा चापलूसी करने का जरूरत नहीं है। देखा हमारा यहाँ पे कितना चलता है, एक नंबर दीदी, एक नंबर। सब लोग हैं, नमस्ते कर दो। ये बड़ा अच्छा लड़का है, गांव में ना भैंस चराता है, इसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए ना। नहीं तो मतलब भैंस चराता है तो मोटिवेट करके क्या होगा, शेर चराएगा बाद में। शेर चराएगा तो शेर इसको चर नहीं जाएगा। नहीं नहीं ऐसे हम खाली कह रहे हैं, तुम्हारा चेहरा थोड़ा बकरी जैसा है ना, तो वैसे ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनको बताओ कहाँ क्या बनना चाहते हो जीवन में आगे? एचआर। अरे वाह, देखे कोई बड़ा कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स का काम करेगा ये। अरे एचआर मतलब दीदी ऋतिक रोशन, दिन। जूता पहनने का काम किया करो, जूता खाने का नहीं। काम किया है, कुछ बड़ा किया है लाइफ में? किया ना दीदी, एक बकरी के बच्चे को बड़ा किया है। क्या जिराफ बना दिया बकरी के बच्चे को? अरे कुछ अलग किया है। हाँ दीदी अलग किया है, वही बकरी का बच्चा भैंस का दूध पीने जा रहा, तो हमने उसको अलग किया है।
इससे नहीं होगा, मैं रहने दो, इधर आओ, ये देखो इतना बड़ा बड़ा लोग बैठा है, इनके सामने ऐसा बातें करोगे, इनसे मिलो इनसे मिलो। ए विवेक जी, तो कितना मार्केट के बारे में भी जानते हैं, मार्केट का कोई सवाल पूछो इनसे। सर परसों जो है मार्केट में हमारी साइकिल गायब हो गई, आपने देखा है क्या? हमारी साइकिल गायब हुई ना, इसलिए दिमाग से पैदल हो तुम, पैदल समझते हो? चल लोगे 20 कदम चलोगे? हाँ घूमो जरा, अभी 20 कदम चल के दिखाओ, निकला।